press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं बात करूंगा HDFC बैंक के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या आपको HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लेने से क्या आपको प्रे अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, रियल बताऊंगा, किसी प्रकार की आपको गलत जानकारी मैं नहीं दूंगा। तो ये वीडियो बहुत खास होगा, शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो को वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं, HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेने से प्रे अप्रूव क्रेडिट कार्ड हर लोग के पोर्टल में शो करता है। जब वो नेट बैंकिंग से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक साल बाद, कम से ना कम एक साल बाद अकाउंट यूज करने के बाद वहाँ पे प्रे अप्रूव क्रेडिट कार्ड शो करने लगता है। जब वहाँ पे अगर क्लिक करके अप्लाई करते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उनका डिक्लाइन या उनका रिजेक्ट नहीं होता है। और बहुत से लोग का अप्लाई करते ही मिल जाता है 15 दिन के अंदर। तो मैं आपको बता दूं ऐसा होता क्यों है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक की कुछ पॉलिसी होती है, बैंक अपने पॉलिसी में कुछ ऐसे चीजें मायने रखता है जो आपको उसको पार करना होता है। जैसे अगर आप बैंक के पूरे पॉलिसी को अगर पार कर जाते हो तो आपको प्रे अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जैसे मान लो आपका सिटी भी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम गांव से या देहात से रहने वाले हो और आपके एरिया में क्रेडिट कार्ड का सर्विस मिलता ही नहीं है, कोई बैंक देता ही नहीं है, तो उस हाल में आपको उम्मीद कम रहेगा अगर भले से आपको प्रे अप्रूव ऑफर मिला है, या आपका सिविल स्कोर अच्छा है, या आपने अकाउंट में पैसे मेंटेन करके रखे हैं, ये सब कुछ करके रखे हैं, तब भी आपको क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रे अप्रूव और पर्सनल लोन ये जब देता है तो इसके लिए सब कुछ बैंक चेक करता है कि कस्टमर ने क्या क्या इनके ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बैंक बिना चेक किए कभी भी क्रेडिट कार्ड और इसके बाद पर्सनल लोन नहीं देता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है एक प्रकार का वो लोन होता है। कोई भी आपको कर्ज देगा या पैसा देगा तो वो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा, आपके बारे में बिना जाने समझे वो आपको देगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं अकाउंट खुलवा लूंगा तो क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाएगा, तो अपने मन में आप ये बातें मत रखना। क्रेडिट कार्ड, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेडिट कार्ड जो है प्रे अप्रूव ऑफर आपको हर बैंक देता है, बट अप्लाई करने के बाद वो डिक्लाइन या रिजेक्ट हो जाता है, तो किसी किसी का अप्रूव भी होके मिल भी जाता है। तो आपको मैं बता दूं, आपका ट्रांजेक्शन, सिविल स्कोर, इसके बाद कुछ बैंक में ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ मैटर करता है, साथ ही साथ आपका सिटी मैटर करता है। अगर ये सारे चीज आपका एकदम रियल है, ओके है, शायद आपको प्रे अप्रूव क्रेडिट कार्ड आपका मिल जाए अप्लाई करने के बाद। तो यही से इसके नियम और पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, जब भी अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो HDFC बैंक में जाने के बाद वहां पे आपको बोलना है, सर मैं सेविंग अकाउंट तभी ओपन करवाऊंगा जब मुझे क्रेडिट कार्ड का भी फॉर्म इस टाइम भरा जाए और मुझे मिलेगा, तभी आपको अकाउंट वहां पे ओपन करवाना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो ऐसा आप गलती मत करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अधिक ज्यादा अकाउंट भी मत रखना अपने पास। अगर मान लो आपको अधिक से अधिक 2 से 3 अकाउंट रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा अकाउंट रखोगे तो आपको अपने अकाउंट में पैसे भी रखने पड़ते हैं। पैसे नहीं रखोगे तो आपको चार्ज लगेंगे आप पैसा न रखने का।
तो आप लोग कभी ये गलती मत करना, और कभी आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में किसी बैंक में अकाउंट खुलवा मत लेना। मैंने आपको बता दिया है कि बैंक का कुछ रूल और पॉलिसी होता है, अगर आप उसके पॉलिसी को पार करते हो बैंक के, तभी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है, नहीं तो बैंक आपको नहीं देगा। आपकी इनकम 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे आप कितना रुपया क्यों ना कमाते हो, चाहे आपका पैसा बैंक में क्यों ना आता हो, बैंक के जो पॉलिसी है उसको आप पार करोगे तभी आपको मिलेगा। आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए, आपका इनकम बैंक में आना चाहिए, प्लस आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए, आप कभी किसी का लोन लिए हो तो टाइम पर पे करना चाहिए, आपका सिटी मायने रखता है, और सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ओके रहता है तभी आपको कार्ड मिलता है। बहुत से लोगों का सब कुछ ओके रहने के बाद भी आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो जिन लोगों का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है सब कुछ ओके रहने के बाद भी, तो मैं आपको बता दूं, जो एजेंट रहते हैं वेरिफिकेशन करते हैं और जो आप सबको डॉक्यूमेंट देते हो उसमें ओनली एक स्पेलिंग अगर आप गलत लिख दोगे तब भी आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत दिनों का है, बहुत सालों का है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी लालच में मत आकर कभी भी अकाउंट मत खुलवाना, वो आपके सब कुछ निर्भर करता है आपके सारे डॉक्यूमेंट और एरिया और सिटी के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया है HDFC बैंक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड देता है, बट सभी लोग को नहीं देता है। बैंक जो है अपने हिसाब से, अपने पॉलिसी के हिसाब से देता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इनका पुराना कस्टमर, मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल, ये आपकी सोच गलत है। बैंक जो है अक्सर दिल्ली और बड़े बड़े सिटी वालों को अक्सर क्रेडिट कार्ड देता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और जो लोग छोटे मोटे एरिया से हैं उनको बहुत कम उम्मीद रहता है। तो जो ही सच्चाई मैंने आपको वही बताया, क्रेडिट कार्ड बैंक देता है बट सबको नहीं देता है। तो बस इतना ही कहना था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, आपके उनमें कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे अगर आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ऑन कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।